उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9,96,00,000 से बने भारत सरकार के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एवं नगर विकास विभाग के रामगढ़ताल के प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण की योजना के अंतर्गत रामगढ़ताल में अधिस्थापित 25 नंग फ्लोटिंग कैशकेड फाउंटेन, एक नगर मल्टी मीडिया फ्लोटिंग फाउंटेन तथा 450 किलोवाट सोलर पावर प्लांट कार्य का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामगढ़ताल में गंदगी ना होने दें, यहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी हम सब की है। सुरक्षा की दृष्टि से रामगढ़ताल में एक नए थाने की भी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही गोरखपुर के लोगों को चिड़ियाघर की भी सौगात मिलने वाली है। रामगढ़ताल के मल्टी मीडिया फाउंटेन शो के लिए जनता को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर की जनता विकास की इस यात्रा के साथ अपनी भूमिका निभा रही है, इसलिए इस स्थान को स्वच्छ और अक्षुण्य बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर के नामकरण से लेकर आधुनिक गोरखपुर के निर्माण को हम सब अपनी आँखों से देख रहे हैं। सीएम ने कहा कि शिव अवतारी भगवान गोरखनाथ यहां आए तो लोगों द्वारा भिक्षा के रूप में खिचड़ी चढ़ाई गई, उसी तरह चुनाव में हम लोगों के वोट के रूप में आपसे भिक्षा मिलती है। सीएम योगी ने कहा कि शहीद बंधु सिंह से लेकर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से मिली आज़ादी का आज हम सब उपभोग कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र और फिराक गोरखपुरी जैसे साहित्यकारों ने गोरखपुर की स्मृतियों को तरोताज़ा बनाए रखा है। सीएम ने कहा कि गोरखपुर स्थित गीता प्रेस ने वैश्विक पटल पर भारत की संस्कृति से लोगों को परिचित करवाया है। रामगढ़ताल में मल्टीमीडिया लाइट एंड शो के माध्यम से गोरखपुर का इतिहास, गोरखनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन का महत्व, अम्बाड़ा कबीर भूमि, मगहर, बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर, साहित्य एवं साहित्यकारों से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां दी जाएंगी। लोकार्पण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, सांसद रवि किशन, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये आपका अपना कार्यक्रम है, आपका जो स्थान निर्धारित है सिद्धार्थनाथ सिंह जी का आगमन हो चुका है, ग्रामीण विधायक गोरखपुर श्री विपिन सिंह जी का स्वागत है, हमारे महापौर श्री सीताराम सहजनवा के विधायक श्री शीतल पांडे जी का यहाँ विकास की धारा है, बहुत लोकार्पण हुआ था उसे सम्मानित अतिथियों का स्वागत पुष्पों के साथ करें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी चंदन बंदन अभिनंदन आज के पावन बेला पर, आज के स्वर्णिम बेला यहाँ रामगढ़ताल के क्षेत्रीय निवासियों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत रामगढ़ताल में फाउंटेन अधिस्थापन, 25 अदर फ्लोटिंग फाउंटेन, जो एक अदर फ्लोटिंग मल्टी मीडिया फाउंटेन 31 मार्च को पूर्ण सफल कर परीक्षण के द्वारा किया गया और आज लोकार्पण कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित। एक अदर फ्लोटिंग मल्टी मीडिया फाउंटेन तथा 450 किलोवाट ग्रिड आधारित 196,00,000 है। मल्टी मीडिया फाउंटेन में प्रदर्शित मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लोकार्पण अवसर पे। लोकार्पण हो रहा है इस मल्टी मीडिया फाउंटेन का। फ्लोटिंग फाउंटेन हरी कणों में रंग
गोरखपुर की मिट्टी हूँ और मैंने इसे अनेक रूपों में ढलते देखा है। मुझे जिसने छुआ उसने इतिहास रचा, चाहे वो महान योगी गुरु गोरखनाथ हो या गौतम बुद्ध जैसे महात्मा। अगर एक और भारत के आजादी के दीवानों ने अपने लहू से मुझे सींचा, तो दूसरी ओर प्रेमचंद की लेखनी और भाषा ने मुझे नई परिभाषा दी। मेरे रोम रोम में छिपी है एक रोचक गाथा। कहानी शुरू करते हैं मेरे नाम की गाथा से। जी के शिष्य महायोगी गुरु गोरखनाथ बाबा पर रखा गया है, जिनका योगदान योग के व्यावहारिक पक्ष को जन जन तक प्रसिद्धि दिलाने हेतु भी है। बाबा गोरखनाथ शिवावतार है। प्राचीन अचिरावती यानी राप्ती यहाँ कल कल बहती है। रमणीय गोरखपुर ने बाबा गोरखनाथ का मन मोह लिया। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि महायोगी गोरखनाथ खिचड़ी के लिए अन्न की भिक्षा मांगते हुए यहाँ आए हैं। ज्वाला देवी ने गोरख डिब्बी जल रही है, पानी गर्म हो रहा है, केवल अन्न की प्रतीक्षा है। बस फिर क्या था, हजारों श्रद्धालुओं ने खप्पर में खिचड़ी भरना आरंभ किया। ये मकर संक्रांति का पुण्य समय था। आज तक मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते आ रहे हैं। एक पूरे माह तक चलता है ये आयोजन। मकर संक्रांति का महीना गोरखनाथ जी की योग सिद्धि का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रतीक है। Thank you.
राज गंभीर नाथ जी की प्रसिद्धि तीनों योगों की सिद्धि हेतु जानी जाती है एवं महंत दिग्विजय नाथ जी का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में होने के साथ साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में अमूल्य है। गोरखपुर के सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक रूप से सतत विकास के दृष्टिगत महंत अवैधनाथ जी का योगदान भी अविस्मरणीय है। गोरखपुर की मिट्टी और गौतम बुद्ध का संबंध अटूट है। यहाँ से मात्र 52 किलोमीटर दूर पूर्व में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर स्थित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के पुत्र कुश की ये राजधानी थी और कुशावती कहलाती थी। यहीं पर सालवन में महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने सत्य अहिंसा अस्तेय जैसे मूल्यों का प्रचार किया। वर्तमान में विश्व स्तर पर मानव मात्र की समानता के जो स्वर सुनाई देते हैं उनका शंखनाद सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने ही तो किया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर विशाल स्तूप के अवशेष आज भी हैं, जो रामाभार स्तूप स्थल के नाम से प्रख्यात है। यही भगवान बुद्ध पंच तत्व में विलीन हुए। यही महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति भी है। चला बुरा
न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। संत कबीर के ये दोहे आज भी प्रासंगिक है। 15वीं सदी के भक्ति कालीन कवि संत कबीर ने अपनी सीधी सरल कविताओं से समस्त विश्व पर छाप छोड़ी। गोरखपुर शहर से पश्चिम दिशा में 29 किलोमीटर दूर आमी नदी के तट पर स्थित मगहर संत कबीर का समाधि स्थल है। संत कबीर ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों को सद्भावना का मार्ग दिखाया। उनकी समाधि पर मंदिर एवं मस्जिद का एक साथ होना कबीर की धार्मिक सद्भावना और समन्वयवादी सोच का प्रतीक है। गोरखपुर के ऐतिहासिक इमाम बाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने 1795-96 में कराया। इसमें सूफी संत रोशन अली शाह की धुनी आज भी मौजूद है। यहाँ सोने चांदी और अष्ट धातु के ताजिए मौजूद हैं, जो नवाब ने रोशन साहब को भेंट दिए थे। असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, दोहरिया कला में किसानों की फांसी जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है। अमर शहीद बंधु सिंह जी द्वारा स्थापित माँ की पिंडी तरकुलहा देवी आज भी जन जन में पूजनीय है। जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे, जिसकी कविताओं पर देश झूमता था, जो मैनपुरी साजिश और काकोरी कांड के लिए प्रख्यात थे, वो राम प्रसाद बिस्मिल यहीं गोरखपुर में ही शहीद हुए थे। गोरखपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां चार चार शहीद स्मारक हैं। शहीद बंधु सिंह, चौरी चौरा, बिस्मिल स्मारक और दोहरिया कला। Yeah.
बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। जिस चोले को बहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे चोला, रंग दे चोला दे। विख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद ने अपने शब्द तराशे। श्री धनपत राय, जिन्हें नवाब राय एवं मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कर्मस्थली भी गोरखपुर ही थी। यहाँ उन्होंने कई कालजी उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। रघुपति सहाय जी, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रख्यात है, का शायरी के क्षेत्र में योगदान अमूल्य है। भारतवर्ष के महाकाव्यों एवं साहित्य का परचम आज पूरे विश्व में लहरा रहा है। गीता प्रेस ने उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत के साथ साथ कल्याण पत्रिका को विश्व भर में जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। कल्याण पत्रिका के आदि संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 1600 पुस्तकों का प्रकाशन मुद्रण गीता प्रेस में आज भी होता है। श्री जय दयाल गोविंदका जी और श्री घनश्याम दास जलांजी द्वारा स्थापित ये अखिल भारतीय संस्था आज हमारी धरोहर है। पर पकाई जाती है कि इनका लाल रंग
वर्षों तक भीगा नहीं पड़ता। 1885 में गोरखपुर रेल लाइन से जुड़ा और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय बना। पर कितने लोग ये जानते हैं कि 2013 के विस्तारण के बाद गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। 1366.33 मीटर की लंबाई वाला ये प्लेटफॉर्म किसी को भी अचंभित कर देगा। नागरिक बनकर इस मिट्टी का ऋण चुकाएंगे। इसी कामना के साथ
करोड़ रामगढ़ बांध के इस क्षेत्र में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के आज के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के एमएसएमई, खादी और निवेश से जुड़ी हुई विभिन्न विभागों के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मान्य सांसद श्री रविकिशन जी, मान्य विधायकगण, महापौर, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, गण गोरखपुर के सभी उपस्थित, यहाँ के सभी उपस्थित नागरिकगण, भाइयों बहनों, गोरखपुर के इतिहास को और गोरखपुर की परंपरा के बारे में इस लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको अवगत कराने के उद्देश्य से आज यह एक कार्यक्रम आपके बीच में प्रस्तुत हुआ है। मैं इस अवसर पर गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को इस लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा होगा कि गोरखपुर के नामकरण से लेकर के आधुनिक गोरखपुर तक हम सब ने गोरखपुर को अपनी पुरातन काया को बनाए रखते हुए, एक आधुनिक गोरखपुर को बनते हुए अपनी आंखों से हम सब देख रहे हैं, लेकिन इसकी प्रत्येक धरोहर को चूर्ण बनाए रखना हम सबका दायित्व है और उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए, चाहे वह स्वच्छता का हो, गोरखपुर में चल रही विकास की योजनाओं का हो, गोरखपुर में पहले से चली भी चली आ रही उन स्मृतियों को सदैव जीवंत बनाने का हो, इन सब प्रयासों को आगे बढ़ाने की यह एक कड़ी है और उस कड़ी के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब एकजुट होकर के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी मेरे संगठन के सहयोगीगण और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत शासन प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारीगण उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतर बदला है, जब गोरखपुर गोरखपुर बनने के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा होगा, यहाँ पर शिवतार भगवान गोरखनाथ जी आए थे, उस समय उन्हें भिक्षा की आवश्यकता थी, आपने उन्हें खिचड़ी चढ़ाई। आज गोरखपुर के विकास के लिए हम लोग वोट के रूप में आपसे भिक्षा मांग लेते हैं। स्वरूप बदला है, लेकिन बाकी सारी परिस्थितियां वही है कि गोरखपुर को एक पहचान मिले, यहाँ की विरासत सम्मान प्राप्त करे। जिन्होंने हमें सम्मान दिलाया है उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। इस रामगढ़ ताल की इस पूरी परियोजना को आगे बढ़ा करके गोरखपुर में भी एक ऐसी धरोहर, अनेक ऐसी धरोहर आपने देखा होगा, चाहे वह गोरखनाथ की साधना स्थली गोरखनाथ मंदिर, वहां का धूना, वहां के खंड ज्योति हो, वहां की परंपरा के साथ जुड़े हुए उन सिद्धों संतों का योगदान हो, गीता प्रेस और उसके माध्यम से देश और दुनिया के अंदर भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़े हुए साहित्य को एक वैश्विक मंच प्रदान करने का हो, या फिर भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ कुशीनगर और गोरखपुर के संबंधों को रेखांकित करने का हो, संत कबीर दास जी से जुड़े हुए इस पूरी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का हो, इमामबाड़े का अपना योगदान गोरखपुर के दृश्य किस रूप में रेखांकित किया गया है, गोरखपुर में कैसे गोरखपुर ने देश की आजादी की लड़ाई को अलग अलग कालखंड में लड़ा था, शहीद बंधु सिंह ने 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में नेतृत्व देकर के
गोरखपुर ने जहां उस ज्वाला को आगे बढ़ाया था, इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले भी, चाहे वह चोरी चोरा का कांड रहा हो, चोरी चोरा की घटना रही हो, दोहरिया कला की घटना रही हो, और अमर शहीद बंधु सिंह से लेकर के अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तक एक लंबी श्रृंखला है जिन महापुरुषों और क्रांतिकारियों के योगदान से आज हम सब स्वतंत्रता का उपभोग कर पा रहे हैं। देश के अंदर साहित्य जगत को एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने का मामला हो, भाई जी के द्वारा से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा कल्याण पत्रिका के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश को देश और दुनिया तक पहुंचाने का हो, गीता प्रेस ने जहां बखूबी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने भी गोरखपुर को अपनी कर्मभूमि के रूप में बना करके ईदगाह, नमक का दरोगा और न जाने कितने उपन्यास देश के अंदर दे करके गोरखपुर की स्मृतियों को तरोताजा करने का कार्य किया। फिर आज गोरखपुरी हो या फिर इस परंपरा से जुड़े हुए सभी महापुरुष हम सब की धरोहर हैं, और इसलिए गोरखपुर का ये लाइट एंड साउंड कार्यक्रम गोरखपुर की इस धरोहर को चूर्ण बनाए रखने के संकल्प के साथ हम सबको जोड़ता है, हम सबको इस जिम्मेदारी का एहसास कराता है। इस जिम्मेदारी का एहसास तो हर व्यक्ति कर पाएगा जो अपनी रचनात्मकता के माध्यम से एक सही सोच के साथ विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और मैं गोरखपुर वासियों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि विकास के मुद्दे पर गोरखपुर की मर्यादा, गोरखपुर के आन मान और शान और यहाँ की परंपरा को क्षण बनाए रखने के लिए सतत रूप से निरंतर इस प्रक्रिया का हिस्सा बने रहे हैं। आज लाइट एंड साउंड कार्यक्रम आपको समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम सब न केवल इस रामगढ़ ताल को भी तो गोरखपुर की इन सभी धरोहरों को अच्छे ढंग से सजो करके इसे अच्छे बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। मैं आप सबके इस अवसर पर आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और समय समय पर हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। अभी कुछ ही महीनों के बाद हम लोग यहाँ पे अभी आपको एक चिड़ियाघर भी देने जा रहे हैं, वह भी यहाँ के लोगों के लिए एक अनोखी चीज होगी। आप देखेंगे बच्चों के लिए रोचक होगा, भारत की प्रकृति और परंपरा के साथ जुड़ने का एक नया अवसर भी यहाँ प्रदान होगा। बहुत सारी चीजें भी राप्ती नदी में बन रहे घाट नए तरीके से लोगों को एक नई स्मृति और नए प्रवेश के साथ ढालने का एक अवसर प्रदान करेगी। आज के इस अवसर पर हम लोग समय समय पर मिलते हैं, फिर मिलेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के साथ ही हम रामगढ़ में एक नया थाना भी बना रहे हैं सुरक्षा के लिए, और वह भी आज हम स्वीकृत करके आए हैं, उसका नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ भेज चुके हैं। यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी और एक सिस्टम के साथ हमारा संकल्प होगा हम रामगढ़ ताल को गंदा नहीं होने देंगे, रामगढ़ ताल में गंदगी नहीं करने देंगे, कोई भी गंदगी नहीं। आप मूंगफली खाएं अपने जेब में रख दें या जहां डस्टबिन होगा उसमें डालिए, आप कोई फल खाएं तो उससे निकले हुए छिलके को अपने पास सुरक्षित रखें, जहां डस्टबिन मिले उसमें डाले, ताल में ना फेंके, कूड़ा ताल में ना फेंके, गंदगी ताल में ना गिरने दें। एक लंबे समय तक यह कार्य और इस प्रकार के अभियान हम सबको एक नई पहचान देते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।